दोस्तों अगर आप भी आधार कार्ड से पैन कार्ड को लिंक कर रहे हैं और आपके सामने भी पेमेंट रिलेटेड बहुत सारी समस्या आ रही है तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा इस वीडियो में हम आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन बताने वाले हैं पेमेंट से रिलेटेड कि आपका यहाँ पर आपका क्या क्या पेमेंट में इरर आएगा और साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर आपका पेमेंट में किस तरह से आप पेमेंट करेंगे कि आपका ईजी वे में यहाँ पर आपका क्लियर हो जाएगा आधार पैन लिंक सबसे पहले दोस्तों आप हमें कमेंट करके यहाँ पर आप हमें बताइए कि आपका प्रॉब्लम क्या है यहाँ पर दोस्तों आपको यहाँ पर आपका प्रॉब्लम क्या है यहाँ पर आप हमें कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा तभी हम दोस्तों यहाँ पर उससे रिलेटेड कोई भी यहाँ पर वीडियो यहाँ पर हम आपको बना करके हम आपको देंगे कोई भी हम आपको वीडियो आपको प्रोवाइड करेंगे तो सबसे पहले आप दोस्तों हमें एक काम कीजिए कि आप अपना कॉमेंट हमें यहां पर करके जरूर बताइएगा कि हाँ आपका क्या क्या प्रॉब्लम है यहाँ पर दोस्तों सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आ रही थी लोगों को कि आपका यहाँ पर अगर आधार कार्ड से पैन कार्ड अगर आप लिंक करते हैं तो उसमें आपका यहाँ पर पेमेंट करता है पेमेंट में आपका अगर आधार से पैन लिंक नहीं होता है तो वो किस तरह से आप पेमेंट को रिफंड ले पाएंगे यहाँ पे दोस्तों तो यहा पर दोस्तों पेमेंट करते वक्त आपको यहाँ पर बहुत सारी समस्या आती है कि आप किस माध्यम से आप पेमेंट करेंगे कि आपका इजी वे में वो पेमेंट सक्सेस हो जाएगा ठीक है दोस्तों यहाँ पर जब आप पेमेंट कर करने जाते हैं उस टाइम आपसे बहुत सारा ऑप्शन पूछा जाता है कि आप डेबिट कार्ड से आप पेमेंट करना चाहते हैं या फिर नेट बैंकिंग से या फिर आप दोस्तों यूपीआई से या फिर आप यहां पर किस माध्यम से आप यहां पर पेमेंट करना चाहते हैं इसमें बहुत सारा कंफ्यूजन हो रहा था फर्स्ट टाइम मुझे भी बहुत सारा कंफ्यूजन हुआ था कि मैं यहाँ पर नेट बैंकिंग से मैं यहाँ पर अपना पेमेंट करूँ या फिर डेबिट से या फिर हम या फिर यूपीआई से करेंगे तो इस वीडियो में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन बताएंगे साथ ही साथ दोस्तों अब आप आपको ये भी बताने वाले हैं कि आपका आधार से पैन लिंक नहीं होता है तो वो पेमेंट रिफंड हो पाएगा या फिर नहीं रिफंड होगा तो कैसे रिफंड होगा ये सब पूरी जानकारी हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं सबसे पहले दोस्तों हम आपको ये बताने वाले हैं कि अगर आप आधार कार्ड पैन कार्ड को लिंक करते हैं तो आपका अगर आपका कोई भी डाटा मिसमैच रहता है कोई भी जैसे नाम या फिर दोस्तों यहाँ पर आपका डेट ऑफ बर्थ या फिर दोस्तों आपका कुछ भी मिसमैच रहता है तो वो आपका आधार से पैन लिंक नहीं हो पाता है उस कंडीशन में आपका यहाँ पर पेमेंट जो होता है आपका यहाँ पर रिफंड हो पाएगा या फिर नहीं ये हम सबसे पहले हम आपको बताने वाले हैं दोस्तों यहाँ पर आप आधार से पैन लिंक करने के लिए अपने पेमेंट एक हज़ार का तो कर दिया ये चलान वन टाइम पेमेंट लगता है अगर आप सही में अपना आधार पैन लिंक करना चाहते हैं कोई भी डाटा मिसमैच है तो सबसे पहले आप उसे सुधरवाइए जी हाँ दोस्तों अगर आपका नेम यहाँ पर मिसमैच है तो आप पैन करेक्शन यहाँ पर कर लीजिए यहाँ पर दोस्तों अगर आपका डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर आपका यहाँ पर पैन में अगर आपका गलत है तो आप यहाँ पर फिर पैन करेक्शन यहाँ पर आपका कर लीजिए अगर दोस्तों आपके आधार कार्ड में कुछ गलत है तो आप पहले आधार कार्ड का यहाँ पर करेक्शन करा लीजिए ये आपका वन टाइम जो पेमेंट लगता है ये आपका पेमेंट आपके पास रहेगा आपको ये दोबारा पेमेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है अब दोस्तों आपको लगता है कि हमारा ये पैन कार्ड सुधर नहीं पाएगा या फिर डेट ऑफ बर्थ सुधर नहीं पाएगा हमें ये पेमेंट आपको रिफंड लेना है तो यहाँ पर दोस्तों तो मैं आपको बता दूं सिंपल सा मेथड कि अभी दोस्तों यहां पर का चल रहा है अगर पर नया वाला जो ले सकते हैं। यही एक मेथड है जिससे आप यहाँ पर अपना पेमेंट यहाँ पर रिफंड ले पाएंगे अब चलिए हम आपको बता दें जो सबसे ज्यादा समस्या आती है कि आधार पैन हम ऑनलाइन आवेदन करते हैं तो उस टाइम हम पेमेंट करते वक्त तो हम कौन सा मेथड यूज यूज करें ताकि हम इजी वे में हम अपना आधार पैन लिंक कर पाए तो यू से हम आपको पेमेंट करने का पूरा मैथड बताने वाले हैं वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर दोस्तों आप भी आधार कार्ड से पैन कार्ड को लिंक कर रहे हैं और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि हम पेमेंट किस मेथड से करें तो मैं यहाँ आप पर आपको बेस्ट ऑप्शन आप दे रहा हूँ यूपीआई से पेमेंट कर सकते हैं अपना क्यूआर कोड स्कैन करके या फिर यूपीआई पी माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं उसके लिए पेमेंट गेटवे पर क्लिक करना है केनरा बैंक को सिलेक्ट करना है और यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक करना है नीचे आना है यहाँ पर फिर से पेपर आपको क्लिक करना है पेपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर कुछ नोटिफिकेशन आ रहा है नीचे आई एग्री पर क्लिक करना है सबमिट टू बैंक पर आपको क्लिक कर लेना है ये ऑटोमेटिक रीडायरेक्ट करेगा आपको यहाँ पर पे यू मनी के गेटवे पर यहाँ से दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं डेबिट कार्ड नेट बैंकिंग यूपीआई व्हाट्सएप इतना सारा मेथड है जिसके आप किसी भी मेथड से पे कर सकते हैं मैं यहाँ पर यूपीआई को सिलेक्ट करूंगा फोन पे से मैं यहाँ पर पे पेमेंट कर लूंगा पेमेंट करने के लिए आपको यहाँ पर अपना यू पी डालना होगा यू पी आपके फोन पे में वहाँ पर शो कर रहा होगा वहाँ से आपको यू पी आई आई डी यहाँ पर फिलअप कर लेना है यू पी आई डाल करके यहाँ पर वेरीफाई पर आपको क्लिक करना है ऑटोमेटिक यहाँ पर आपका नाम आ जाएगा प्रोसीड पर आपको क्लिक करके आपको यहाँ पर अपना पेमेंट कर लेना है फाइनली हमारा यहाँ पर पेमेंट हो चुका है पेमेंट होने के बाद कुछ इस तरह का यहाँ पर मैसेज आएगा यहाँ पर चलान पेमेंट सक्सेसफुली और यहाँ पर डाउनलोड का एक बटन आएगा इसे आपको डाउनलोड पर क्लिक करके आपको अपना रिसिप्ट को डाउनलोड कर लेना है इसी तरीके से दोस्तों यहाँ पर आप भी अपना पेमेंट कर सकते हैं पेमेंट करने के बाद अब यहाँ पर और भी प्रोसेस होता है आप समझ मत लीजिएगा कि तहीं में हमारा आधार पैन लिंक हो जाएगा तो दोस्तों यही थी पर यहाँ पर पूरी प्रक्रिया जिस जिसके माध्यम से दोस्तों आप अपना यूपीआई के माध्यम से आप अपना पेमेंट कर सकते हैं अब दोस्तों दे 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 कर आप देख सकते हैं आधार पैन लिंक कैसे होता है अगर दोस्तों यूपीआई से संबंधित तो या दोस्तों पेमेंट से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमें कॉमेंट करके यहां पर हमें जरूर पूछिएगा मैं इससे रिगार्डिंग यहां पर मैं आपको वीडियो बना करके बताऊंगा जरूर यही तो छोटी सी अपडेट मिलते हैं फिर अगले वीडियो में एक नया एक नई टॉपिक के साथ